रामनगर विधानसभा में भी केजरीवाल की दूसरी गारंटी रोजगार गारंटी का शुभारंभ हुआ। प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल ने रोजगार गारंटी कार्ड वितरण की शुरुआत करते हुए रामनगर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार गारंटी कार्ड दिए, जिसमें बेरोजगारों के साथ आम जनता ने भी भरोसा जताया कि रोजगार गारंटी कार्ड पलायन रोकने में और गरीबों की मदद करने में, बेरोजगारों का सहारा बनने में मील का पत्थर साबित होगा। शिशुपाल सिंह रावत ने कहा कि जिस प्रकार बीजेपी कांग्रेस ने पिछले 21 सालों से बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, छल करने का काम किया, केजरीवाल गारंटी योजना से वह बहुत खुश है और आने वाले विधानसभा 2022 में बीजेपी कांग्रेस को सबक सिखाकर आम आदमी की सरकार बनाने के लिए तन मन धन से मेहनत करेंगे। कार्यक्रम में संगठन मंत्री भास्कर जोशी, नगर अध्यक्ष नवीन नथानी, नगर महामंत्री चंदन नेगी, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष निर्मल पाठक, महिला मोर्चा विधानसभा अध्यक्ष मंजू, विधानसभा सचिव विनीता सिंह, वन ग्राम अध्यक्ष दिनेश चंद्र, युवा विधानसभा सचिव फिजा, पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष कुंदन सिंह रावत, मीडिया प्रभारी अर्जुन पाल, तुलसी देवी, गिरीश आर्य व बूथ के अध्यक्ष कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जो रोजगार पंजीकरण फॉर्म आ रखा है केजरीवाल जी की तरफ से, तो उसको कैसे भरना है आप सब देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपका है नाम, आप सबको अपना जिन जिन के आपने बूथ में जहाँ जिस घर पे जाएंगे उनका सबसे पहले नाम लिखना है यहाँ पे। फिर आप लोगों को उनसे उनका है क्या आप आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेंगे, उनसे आपने पूछना है, और वो जो बताएंगे आपको हाँ नहीं कुछ नहीं कह सकते तो उनमें आपको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप ठीक है, ये तुम उत्तराखंड में केजरीवाल की दूसरी गारंटी का शुभारंभ किया, जिसमें सारे लोग और हमारी सम्मानित रामनगर की जनता बहुत सराहना कर रही है। आज से देखिए, आज हम पहुंचे हैं रामनगर, जहां रोजगार गारंटी योजना की स्कीम का जो है कैंपेन लगाया हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे कि जो गारंटी कार्ड योजना ये बनाया जा रहा है वो उनके लिए क्या फायदेमंद होगा। सबसे पहले आपसे ही पूछेंगे, आपको कैसा लग रहा है कि जो ये गारंटी स्कीम कार्ड बनाया जा रहा है, क्या लगता है? ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये हम लोगों के लिए अगर यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा तो सबसे अच्छी चीज़ निकाली है ये आम आदमी पार्टी ने, और बाकी प्लान रुकेगा हमारे वहाँ से। बाकी अगर आम आदमी पार्टी ऐसा करती है, अपने बातों पर खड़ी उतरती है, तो फिर हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और आम आदमी पार्टी के लिए सपोर्ट में रहेंगे हमेशा। ये जो रोजगार योजना खोली है, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ये प्लान है केजरीवाल जी का, क्योंकि ज्यादातर बेरोजगार ही यहाँ से पलायन करते हैं, और युवा लोग तो कुछ खासकर अगर उन्हें रोजगार मिलता है, अगर रोजगार नहीं मिलने की कंडीशन में बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो कोई भी यहाँ उत्तराखंड से पलायन नहीं करेगा। तो सबसे अच्छी योजना मुझे ये लगी। उत्तराखंड में ना जाने कितनी पार्टियां आई और गई, रोजगार के मुद्दे हमेशा बनकर रह गए, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी कार्ड की योजना लेकर आई है, और ये कितनी साबित सच होगी इसके बारे में हम पूछते हैं। अभी हमारे संग चंदन सिंह जी जो मौजूद हैं, उन्हीं से पूछेंगे कि रोजगार गारंटी कार्ड कितना अच्छा है। चंदन जी, सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा, पूछना चाहूंगा कि जो रोजगार गारंटी कार्ड बनाए जा रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं? जी, मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड में जो मेन रहता है, हमेशा लोग ईरान पुरान की बातें करती है, उत्तराखंड 21 साल हमेशा बदहाल रहा है। अब आम आदमी पार्टी सत्ता में पहली बार उभर के बहुत अच्छी तरीके से आई है। जैसे कि बेरोजगारी का सवाल है, जो आम आदमी पार्टी का भी जो आया है कि हर घर रोजगार और हर घर 5,000 रुपये महीना भत्ता, ये बहुत अच्छा है। इससे पलायन पर सबसे पहले रोक लगेगी। जो लोग अन्य राज्यों में जाके तरह तरह की नौकरी करते थे, जैसे इन्होंने कहा कि 80% जो है उत्तराखंडियों को रोजगार मिले। देखिए, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय केजरीवाल साहब प्रत्येक माह उत्तराखंड आ रहे हैं और कुछ ना कुछ लोगों को बता के जा रहे हैं, उसी में से केजरीवाल की दूसरी गारंटी रोजगार भत्ता देने की गारंटी उन्होंने हल्द्वानी में 19 तारीख को लॉन्च की थी, और आज वही हमने पूरी तैयारी करके रामनगर विधानसभा सहित पूरे प्रदेश में जो है कि आज से हम जो है रोजगार गारंटी कार्ड लेकर के हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, जो हमारे सहयोगी साथी हैं,
निस्वार्थ भाव से जो आम आदमी पार्टी के लिए एक साल से काम कर रहे हैं, आज वो अपने अपने सेक्टर में अपने अपने बूथ में जाकर बूथ अध्यक्षों को प्रेरित करेंगे और लोगों को जो है गारंटी कार्ड देने का काम करेंगे। ये गारंटी कार्ड योजना जो हमारी है, हमारी पहली शर्त इसमें है कि हम सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उसके बाद अगर उनमें से कुछ लोग छूट जाते हैं तो उन्हें अर्ध सरकारी या अन्य उच्च संस्थान जो है हमारे पास उनमें नौकरी देने का काम करेंगे। उसके बाद भी अगर जो लोग फिर छूट जाते हैं तो उन्हें हम जो है 5,000 रुपये प्रति माह रोजगार गारंटी भत्ता देने का काम करेंगे, जिसमें 18 साल से 35 साल तक की आयु के लोगों को हमने ये गारंटी कार्ड भत्ता देने का काम किया हुआ है। लेकिन उसके साथ हमारा क्लियर शर्त है, क्योंकि हमने इस पर भी बहुत गहराई से काम, उस व्यक्ति से कम 10 दिन सरकार के माध्यम से या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अलग से बना करके, जैसे हमने पलायन आयोग की बात कही थी कि पलायन मंत्रालय एक अलग से बनेगा, उसके तहत हम 10 दिन उस जिसको रोजगार गारंटी भत्ता देंगे उनसे काम लेने का काम करेंगे।